हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहाज किचन में। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ लॉन्ग लेक सफारी। तो वीडियो में आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, ये है मोहब्बतें पिक्चर का गुरुकुल। तो लंदन से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और अपने टूर में क्या चीज मिस आप नहीं करना चाहेंगे, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो लॉन्ग लेक सफारी आप लंदन से 3 ways से जा सकते हैं, अपनी कार से, ट्रेन या ट्रेवल्स के थ्रू। तो अगर आप लॉन्ग लेक सफारी अपनी कार से जा रहे हैं तो वो बेस्ट बात है इस ट्रिप के लिए। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको वारमिंस्टर तक की ट्रेन लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको 1.5 hours लग जाएंगे। स्टेशन से लॉन्ग लेक सफारी के लिए आपको बस या टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी की जो चार्जेस है वो 60 pounds है अप्रोक्सीमेटली, और बस आपको 1 hour में लेके जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन के बाद हमें लगा कि टूर्स या फिर आप कहें ट्रेवल से ही जाना ज्यादा बेहतर है। तो हमने एडल्ट के लिए 60 pounds दिया था और किड के लिए 55 pounds। तो ये जो चार्जेस हैं ये चेंज होते रहते हैं, पर इसमें हमें पहुंचने में करीबन 2 hours 30 minutes लगे थे। और सफारी घूमने के लिए हमें ज्यादा प्लानिंग नहीं लगी थी, आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि कैसे। तो अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए हमारे ट्रेवल्स के पिकअप पॉइंट में। तो टूर वालों के बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स होते हैं, तो आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से पॉइंट पे पिकअप करना है। तो 12 सीटर या फिर 16 सीटर का आपको कुछ इस तरीका का वैन मिलेगा। तो सारी जगह से पिकअप करते हुए हम चल पड़े हैं लॉन्ग लेक सफारी की ओर। तो अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, ताकि आपको सफारी में काफी कम रश मिले। तो लॉन्ग लेक सफारी की टाइमिंग है मॉर्निंग 10 o'clock to 7 o'clock, बट विंटर में ये 5 o'clock में क्लोज हो जाता है। तो ट्रेवल्स वाली तो आपकी टिकट्स एडवांस में बुक कर लेंगे, पर अगर आप अपने कार या ट्रेन से आ रहे हैं तो आप अपनी टिकट एडवांस में बुक कर लें। और एंट्री करते ही हमें मिल गया देखने को गुरुकुल। यहाँ शाहरुख, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये है लॉन्ग लेक एडवेंचर पार्क। तो यहाँ पर टूर वाले आपको 1 hour का टाइम देंगे, इसके बाद सफारी जाएंगे और वापस से हम रिटर्न इसी जगह पर आएंगे। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सफारी की टिकट यहाँ से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 8 pounds पर हेड देना होगा। तो हमारे पास सिर्फ 1 hour था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जाएंगे जंगल क्रूज। तो यहाँ पर आप मैप जरूर ले लेना, ताकि आप कहीं पर भटके ना, और डायरेक्ट आप जाइए जंगल क्रूज। तो जंगल क्रूज जाना हमने सबसे पहले इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जब सफारी करके हम वापस से इस पार्क में आएंगे तो ये जंगल क्रूज का 1.5 से 2 hours का वेटिंग टाइम होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप आ जाएं ताकि आप ये क्रूज कर सकें। और ये क्रूज राइड जो थी वो थी 30 minutes की, मतलब 30 minutes की। तो हमने यही करना सबसे पहले प्रिफर किया। आपको आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आप 1 pound में फिश लेकर सी लायन को फीड भी करा सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही एंजॉय करते हैं। और सफर में आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और एडवेंचर पार्क में 1 hour बिताने के बाद हम चल पड़े हैं सफारी के लिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पर सफारी घुमाने के लिए बसेस होती हैं, बट उसका एक पर्टिकुलर टाइम है जो आप नेट में चेक करके जाइएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि हमने ट्रेवल्स प्रिफर किया, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लानिंग कम लगी, और अगर हम ट्रेन से आते तो हमें उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही सफारी करनी पड़ती। तो पूरे सफारी में जो मेरा फेवरेट था वो था ये जिराफ को ग्रास खिलाना। मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं किया था। Zebra! ज़ीब्रा चलेंगे उधर, और कुछ है? तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर एक मंकी का एरिया है, तो आप वहाँ बच के रहिएगा, नहीं तो आपके कार में बहुत सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं। सबके कान में डिवाइस लगा है।
और सफारी का पूरा मजा लेने के बाद हम चल पड़े थे फिर से लॉन्ग लेट एडवेंचर पार्क में। तो जंगल क्रूज हमने पहले किया था और उसके बाद सबसे लंबी क्यू होती है इसके ट्रेन राइड के लिए। तो सफारी से आने के बाद आप यहाँ सबसे पहले लंच कर लीजिएगा और उसके बाद ट्रेन राइड के लिए आइएगा। खाने के यहाँ काफी सारे ऑप्शन हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खाना कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो ट्रेन राइड तो बहुत ही अच्छी थी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था इतनी छोटी सी ट्रेन में बैठ के जाने का। ट्रेन राइड के बाद हम गए एनिमल एडवेंचर पे, जहां हमने पैरट्स को भी खाना खिलाया। तो 1 पाउंड में आप इनका खाना खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्रोकोडाइल हाउस भी है और एक छोटे छोटे से एनिमल्स हैं। मैंने इन्हें कभी देखा तो नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारे थे और सेफ भी थे। तो यहाँ टॉडलर्स के करने के लिए राइनो राइड भी था, तो छोटे बच्चे यहाँ पर ये राइड कर सकते हैं। और अब बारी आती है बड़े बच्चों की, तो उनके लिए है एडवेंचर कैसल और यहाँ पर एडवेंचरस स्लाइडिंग थी। अच्छा, आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ वाटर रिलेटेड भी गेम्स थे। अच्छा, यहाँ यूके का सबसे बड़ा मेज है, पर मैं आपको बोलूंगी कि आप इसमें ना जाएं क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए तो आपकी जो कैब है या ट्रेन है वो जरूर छूट जाएगी। और स्टार्टिंग में हमको गुरुकुल देखने को मिला था ना, ये एक्चुअल में अंदर से एक म्यूजियम है, बट जब हम गए थे तो कोविड के कारण ये बंद था। तो यहाँ पर आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे एक और नए वीडियो के साथ।